पानीपत में एक मासूम की बस चालक व स्कूल मैनेजमेंट की बड़ी लापरवाही से 5 वर्षीय कार्तिक की हुई मौत। आसन गांव के बस ब्रेकर पर बस उछली और सीट के नीचे रखा लकड़ी का फट्टा सरकने से मासूम कार्तिक नीचे गिर गया और टायर के नीचे कुचलने से हुई उसकी मौत। नाराज लोगों ने बस में की जमकर तोड़फाड़। कार्तिक नाम का लड़का था जो अपने परिजनों के साथ, दादी के साथ वहाँ गुरुद्वारे में संगत में गया हुआ था। जब वापसी पाया तो यह अनहोनी घटना घट गई, जो बहुत ही दुखद घटना है। अतिशीघ्र इनके परिजनों के बयान लिखकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बस चालक के ऊपर जिसकी भी लापरवाही रही है तुरंत कार्रवाई करेंगे और जिसकी भी लापरवाही रही है इसको पूरा न्याय दिलवाया जाएगा। सर, उसको गिरफ्तार कर लिया? अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, दूसरी टीमें जा रही है, जैसी भी उस पर अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को करवाया शांत। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज और पुलिस आगामी कार्यवाही में जुटी। बच्चा स्कूल से गुरुद्वारे से घर आ रहा था कच्चे गेम के लिए। इन्होंने स्कूल के नीचे पूरी बस कटी पड़ी है, ऊपर टायर के ऊपर प्लाई का टुकड़ा रख रखा है, उसको कोई बांधा नहीं गया। जैसे खड्डा आया प्लाई का टुकड़ा नीचे, बच्चा लड़के नीचे खत्म। ये परवाही करते हैं, इनके कोठी जाके देख लो, कोठी बनाने के पैसे पैसे हैं, बच्चे खिलाने के लिए पैसे नहीं इनके पास। हर्ष प्रकाश टीवी के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट।